हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल से जो नेक्स्ट टॉपिक भूगोल में जो हम लोग सौरमंडल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे उसकी नेक्स्ट सीरीज होगी, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें आज हम लोग सौरमंडल से सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन या फिर चंद्र ग्रहण के दिन। तो डायमंड रिंग की घटना वह होते है सूर्य ग्रहण के दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिजगी है, सिजगी आपको बताना है कि सिजगी क्या है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सिजगी क्या है। तो सिजगी जो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को हम लोग सिजगी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण का कारण है, ठीक है, आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण घटित होता है, ठीक है, आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से ग्रह दिए गए हैं और उनके विशेष लक्षण दिए गए हैं, आपको इनमें से ऑप्शनों को छांटना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सूर्य सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह शुक्र और सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, प्लूटो, जुपिटर, वीनस या फिर मार्स। तो शुक्र ग्रह उसे वीनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। शुक्र ग्रह का नाम रोम की सौंदर्य की देवी के नाम पर वीनस रखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 150 गुणे 10 की घात 6 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 150 × 10⁶ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ग्रह क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि ग्रह क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शशन नंबर डी होगा। ठीक है, ऐसे आप प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है। ठीक है, बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर शुक्र। तो सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक उपग्रह या फिर चंद्र है वह है शनि के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए, चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो भारत का प्रथम मंगलयान अभियान था। ठीक है, यह जो है 2013 में हम लोगों ने इस चीज को किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2013 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, चार ग्रहों के नाम दिए गए हैं, आपको इनको आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद फिर शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। ठीक है, शुक्र, बृहस्पति, मंगल या फिर बुध। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, किरीट या फिर कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर, अपसौर, अपोजी या फिर पेरिजी। तो एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, अयनाथ तथा विषु के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि उत्तरी गोलार्ध के संबंध में कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 1 और 3 इसका सही होगा। वसंत विषु 21 मार्च को होता है, शरद विषु 23 सितंबर को होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है, ठीक है, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या फिर कॉपरनिकस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, केपलर ने, ठीक है, केपलर वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, केपलर, गैलीलियो, हर्सेल या फिर कॉपरनिकस। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपरनिकस ने, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, ब्लू मून क्या है, ठीक है, आपको ये बताना है कि ब्लू मून की परिघटना क्या होती है। तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, नेपच्यून, यूरेनस, शनि या फिर शुक्र, ठीक है, आपको बताना है कि ट्राइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्राइटन उपग्रह हुआ जो है नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आप इसको टाइटन ना समझ लें, टाइटन तो शनि का जो है वह उपग्रह है, ये ट्राइटन है या नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने सौर मंडल से सारे क्वेश्चनों को कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में कोई नई टॉपिक लेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।